ये तस्वीर फरीदकोट तो सामने आ रही ने जिथे 23 साल के नौजवान से 25 साल की जमीन से इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इस नौजवान के वलों जो 25 साल पहला ही जमीन लैके जो कब्जा कर लिता गया से उस नौजवान ने कहा कि मैं जन्म तो पहला ही की जमीन दब ली सी। उस नौजवान के वलों कहा गया कि मेरे उत्ते बहुत गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो जिसन लैके उस नौजवान के वलों इंसाफ की जड़ी मांग की गई। आओ सुनते हैं उस नौजवान का होर इस गल नूं लैके की कहना है। पंचायती जमीन ते इन्होंने कब्जा करन दा परचा दिखाया जिथे कि 25 साल का मेरा कब्जा दिखाया गया, जिथे कि मेरी उम्र 23 साल बनती है, कि इहदा मतलब मैं जम्मण तो पहले ही उत्थे कब्जा कर लिया सी। उत्थे कब्जा किसी होर बंदे दा कीता होया, साडा कोई कब्जा नहीं उत्थे। वह इन्हां दी पार्टी का बंदा जिन्हें दरखास्त दित्ती सी कि उन्होंने कब्जा किया। असीं बेनती करते हाँ प्रशासन मूहरे कि जिहड़े बंदियां दा उत्थे कब्जा हैगा उन्हां ते बनदी कारवाई कीती जावे ते सानूं बेकसूर साबित कीता जावे। सारा राजनीतिक मसला, कोई किसी ने कब्जा नहीं करिया। तहसीलदार एसडीएम ने जो भी रिपोर्ट करी नजायज़ कब्जे की, सारी राजसी दबा हेठ आके करी है। जिहड़े बंदियां दा असलियत विच नजायज़ कब्जा हैगा उन्हां दी रिपोर्ट नहीं करी। असीं चार जने खड़े हाँ, पंजवें हरजीत सिंह, पांच जणे दे साडे ते परचा होया। साढ़े चारों का इदू दो दो तीन तीन किलोमीटर दूर खेत है। असीं जिथों तक जा सके हाई कोर्ट ताईं जो भी होया उत्थों तक जावांगे। 2,30,000 रुपए की मैं बोली लई है जी, 11 किलों के करीब है यह रकबा। तो अभी तहसीलदार साहब न एक रिक्वेस्ट जी, सारी निशान सू रकबा पूरा करके दौ जी। कारण रकबे के कारण की है भी आह राह भी सारा जमीन के बच्चे है, राह सारा इधर जा रहा है, ये इन्हों का भी राह से नजायज़ कब्जा। सानू महकमा तहसीलदार कानून गोई साहब कहते भी तुम डीसी साहब एप्लीकेशन दो। डीसी साहब ने सू एप्लीकेशन दी, उन्होंने वेख्या जो टीम घली मौका वेख्या सारा कुछ वेख्या, उन्होंने साफ शब्द लिखता भी इन्हों एफ आई दर्ज की जाए। नजायज़ कब्जा कराया आह वेखो जी, असी तो ये साडा आह पांच कर्मा थान असी नाल आपदा छली बैठे हाँ, नाले मैं जमीन ठेके दी है वह निशानी लगी है। हालांकि ये कोई गवर्नमेंट की पक्की निशानी नहीं, किसी की नहीं, ये अंदाजे मिल के इन्होंने इतने निशानी लाती। आह पांच कर्मा थान जिहड़ा ये असी आपदा परसनली मैं छड्या, बिल्कुल 100% गलत है जी। इतने आके वेख दे, पंचायती जमीन ते इन्होंने कब्जा करन दा परचा दिखाया जिथे कि 25 साल का मेरा कब्जा दिखाया गया, जिथे कि मेरी उम्र 23 साल बनती है, कि इहदा मतलब मैं जम्मण तो पहले ही उत्थे कब्जा कर लिया सी। उत्थे कब्जा किसी होर बंदे दा कीता होया, साडा कोई कब्जा नहीं उत्थे। वह इन्हां दी पार्टी का बंदा जिन्हें दरखास्त दित्ती सी कि उन्होंने कब्जा किया। असीं बेनती करते हाँ प्रशासन मूहरे कि जिहड़े बंदियां दा उत्थे कब्जा हैगा उन्हां ते बनदी कारवाई कीती जावे ते सानूं बेकसूर साबित कीता जावे। सारा राजनीतिक मसला, कोई किसी ने कब्जा नहीं करिया। तहसीलदार एसडीएम ने जो भी रिपोर्ट करी नजायज़ कब्जे की, सारी राजसी दबा हेठ आके करी है। जिहड़े बंदियां दा असलियत विच नजायज़ कब्जा हैगा उन्हां दी रिपोर्ट नहीं करी। असीं चार जने खड़े हाँ, पंजवें हरजीत सिंह, पांच जणे दे साडे ते परचा होया। साढ़े चारों का इदू दो दो तीन तीन किलोमीटर दूर खेत है। असीं जिथों तक जा सके हाई कोर्ट ताईं जो भी होया उत्थों तक जावांगे। 2,30,000 रुपए की मैं बोली लई है जी, 11 किलों के करीब है यह रकबा। तो अभी तहसीलदार साहब न एक रिक्वेस्ट जी, सारी निशान सू रकबा पूरा करके दौ जी। कारण रकबे के कारण की है भी आह राह भी सारा जमीन के बच्चे है, राह सारा इधर जा रहा है, ये इन्हों का भी राह से नजायज़ कब्जा। सानू महकमा तहसीलदार कानून गोई साहब कहते भी तुम डीसी साहब एप्लीकेशन दो। डीसी साहब ने सू एप्लीकेशन दी, उन्होंने वेख्या जो टीम घली मौका वेख्या सारा कुछ वेख्या, उन्होंने साफ शब्द लिखता भी इन्हों एफ आई दर्ज की जाए। नजायज़ कब्जा कराया आह वेखो जी, असी तो ये साडा आह पांच कर्मा थान असी नाल आपदा छली बैठे हाँ, नाले मैं जमीन ठेके दी है वह निशानी लगी है। हालांकि ये कोई गवर्नमेंट की पक्की निशानी नहीं, किसी की नहीं, ये अंदाजे मिल के इन्होंने इतने निशानी लाती। आह पांच कर्मा थान जिहड़ा ये असी आपदा परसनली मैं छड्या, बिल्कुल 100% गलत है जी। इतने आके वेख दे।